अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों खुसरों की जान चाहत फतेह अली खान, तुम लोगों ने कई फेमस बुड्ढे देखे होंगे ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन आज मैं तुम्हें जिस बुड्ढे से मिलवाने लगा हूं ना, उसके पास एक वखरा ही टैलेंट है। यानी वो अपने झंडे का जो डंडा होता है ना, उसको पीछे से लेके हलक से निकाल सकता है, ऐसा टैलेंट है उसके पास। ये जो झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, इसमें डंडा है, इसमें डंडा है। इस बंदे को सिंगिंग का इतना शौक है कि अगर तुम इससे इसका जेंडर पूछोगे ना, ना ये मर्द बताएगा, ना ये ना मर्द बताएगा, ना ये खुसरा बताएगा। ये कहेगा आई एम अ सिंगर, माय जेंडर इज अ सिंगर। और इसके गाने तुम लोग सुनो, ठगनिक नक ठगनिक नक ठगनिक नक ठगनिक नक ठगनिक नक निक ठगनिक नक ठग ठग ठगनिक नक निक ठगनिक नक। अब तुम सिर्फ एक सेकंड के लिए इस बंदे की शक्ल देखो। जानता हूं नहीं देख सकते, उल्टी आ जाएगी, लेकिन एक दफा देखो तो सही। जुम्मे के बाद जब सारे लोग सलाम नहीं फेर रहे होते, तो पीछे मस्जिद के नुक्कड़ में तुम्हें एक बंदा शापर में लोगों की जूतियां डालते हुए नजर आता है, वो भी इससे बेहतर होगा। ये जो झंडा है, वाह 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 वाह, ये जो झंडा है, वाह, ये जो कौमी झंडा है, वाह, ये जो प्यारा झंडा है, वाह, ये जो सोना झंडा है, वाह, ये जो कौमी झंडा है, वाह, ये जो प्यारा झंडा है, क्या बात है, ये जो सोना झंडा है, क्या इसमें इसमें झंडा है, झंडा है। दिल तो मेरा इस वक्त ये चाह रहा है कि ये अपनी चप्पल उठा के ना इसकी गंजी टिंड में मारू, और इसकी चीखा सुन के ना जोर जोर से हंसू मैं। झंडे में डंडे का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तेरे अंदर रोज डंडा जाता है। जिस तरह की तेरी जनानी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना पुत्र, डंडा जो ना कम लिया कर। ये जो कौमी झंडा है, वाह, ये जो प्यारा झंडा है, क्या बात है, ये जो सोना झंडा है, क्या इसमें इसमें झंडा है, झंडा है। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना वाह वाह कर रहे हैं, अगर तुम उन बंदों से पूछोगे ना कि ये जो सामने तुम्हारे बैठा है इसका नाम क्या है, तो कहेंगे गंजी टेंट वाला। नाम तक इनको पता है नहीं इसका, और वाह वाह ऐसे लगे हुए जैसे पहले इन्होंने अपनी बहनों का रिश्ता दिया हुआ इसको। ओ हेलो हेलो, माइक तुझे बोलने के लिए दिया है, गाने के लिए दिया है, कहीं पीछे ना ले रही डंडे की तरह, किधर जा रहा है? लोटा 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 बम बम बम, लोटा 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 बम बम बम। मैं तो सिर्फ आज तक यही समझता था कि लोटा हगने के लिए इस्तेमाल होता है, आज पता लगा कि लोटे से सिंगिंग भी हो सकती है, आप गाने भी बना सकते हो, आप एक मशहूर स्टार भी बन सकते हो। आज लोटा कल बाल्टी मगे उठा के लोग गाने बना देंगे, फेमस हो जाएंगे। असल में कसूर हमारा नहीं है, कसूर इन जैसी चवल अवाम का है जो इनको देखती है और लाइक करती है। कोई लंबा लोटा कोई गिट्ठा लोटा बम बम बम, कोई बिजनेसमैन लोटा कोई रेड़ी वाला लोटा बम बम बम, कोई कपड़े वाला लोटा कोई मुंजी वाला लोटा बम बम बम। आज के बाद मैं जब भी हगने जाऊंगा ना, तो अपने साथ बाथरूम में अंदर माइक लेके जाऊंगा, और जब भी मुझे कोई गाना गाना होगा ना या कोई भी स्पीच करनी होगी, तो मैं लोटा अपने साथ रखूंगा। ये वो लोग होते हैं, अगर तुम इनसे पूछोगे ना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां, तो कहेगा मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे अब्बे के पास फरारी है, मेरे भाई के पास ऑडी है। लेकिन ये जो ना लोटे मस्जिद के वॉशरूमों से उठा रहे होते हैं सिर्फ एक गाना बनाने के लिए, और तेरे प्यो के पास लैम्बोर्गिनी और ऑडी है गंजिया। एक गाना डेडिकेट करना है मेरिश हयात को, प्यार वाला होना चाहिए,
लेकिन सिर्फ 30 सेकंड का होना चाहिए, ठीक है जी। शर्मा गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस अहमद भट्ट को ऐसा कौन सा कीड़ा हुआ है जो इस जैसे नल्ले गंजे को स्टेज पे भेज दिया गाना गाने के। और नहीं वो गा रहा, वो हगेगा, पता भी है तुम्हें। शर्मा गई है। बस भाई बस बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता, ना ही तुम लोगों को देखना चाहिए, वरना तुम्हें बवासीर जैसी बीमारी हो सकती है। बवासीर एक आम समस्या है। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है इस गंजे को, यार बात सुनो, तुम्हारी वजह से जो ना लोग हगना बंद कर देंगे, क्योंकि तुम अगर लोटे बीच सड़कों पे लाके गाना गाने लग गए ना, फिर कर गया हमारा मुल्क तरक्की। और जितने मर्जी तुम्हें चुतियापे लगा लो, लोटे ले आओ, तुम बाल्टियां उठा लो, तुम आतिफ असलम या फिर राहत फतेह अली खान का खब्बा भी नहीं हो। बस आज के लिए इतना ही था, गंजे बाज रहा तुझे मैं समझा रहा हूँ, मिलते हैं एक और वीडियो में, अभी के लिए जुलो, बाय बाय। आया था वो एक्सेल में सपनों का एक बादल, आया कि लड़की टोट बहुत थी, मन में मची थी हलचल, साथ जिएंगे साथ पढ़ेंगे साथ चलेंगे पैदल, पता चला पर बाइक वाला कोई ले गया उसको थाकल। God